उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान हुआ था और आज है मतगणना का दिन, यानी कि वो दिन जिस दिन ये तय हो जाएगा कि उत्तराखंड में आखिर सरकार किसकी आ रही है, क्या वाकई भाजपा को जनता जिता रही है या फिर कांग्रेस को मौका दिया है, क्या जनता बदलाव चाहती है। हालांकि मतगणना से पहले आइए जानते हैं उत्तराखंड की कुछ हॉट सीट्स के बारे में, जिन पर आज दिन भर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। हटिमा विधानसभा। हटिमा विधानसभा सीट उधम सिंह नगर जिले की सबसे हॉट सीट है। यहां से चुनावी मैदान में पुष्कर सिंह धामी हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस से भुवन कापड़ी ने चुनाव लड़ा। 2017 के चुनावों की बात करें तो धामी ने भुवन कापड़ी को 2000 से ज्यादा वोटों से हराया था। आज साफ हो जाएगा कि वर्तमान सीएम एक बार फिर से हटिमा सीट से जीत पाते हैं या फिर नहीं। बात करते हैं लालकुआ विधानसभा सीट की। नैनीताल जिले में लालकुआ विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। यहां से चुनाव में ताल पूर्व सीएम हरीश रावत ने ठोकी है। पहले हरीश रावत को रामनगर से चुनावी मैदान में उतारा गया था, हालांकि बाद में विरोध को देखते हुए उन्हें लालकुआ सीट से मैदान में उतार दिया गया। इससे मुकाबला काफी दिलचस्प हुआ। यहां हरीश रावत का मुकाबला रहा मोहन सिंह बिष्ट से। हालांकि चुनाव में क्या पूर्व सीएम जीत पाते हैं, क्या कांग्रेस का चेहरा बने हरीश रावत को लालकुआ की जनता ने चुनाव में जीत दी है, आज ये भी साफ हो जाएगा। बात करते हैं हरिद्वार सीट की। हरिद्वार विधानसभा सीट पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की साख दांव पर है। कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी मैदान में है। इस सीट को भाजपा का गढ़ कहा जाता है, इसलिए सभी की निगाहें इस सीट पर बनी हुई हैं। श्रीनगर विधानसभा सीट। पौड़ी जिले की वीआईपी सीटों में शुमार है श्रीनगर विधानसभा सीट। यहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और भाजपा से कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर धन सिंह रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को 8000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। ऋषिकेश सीट आपको बता दें काफी हॉट सीट मानी जाती है। देहरादून जिले की इस सीट से विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल भाजपा के प्रत्याशी हैं, इसीलिए सीट वीआईपी सीट में शुमार है। इस सीट से कांग्रेस की ओर से जयेंद्र रमोला मैदान में है। चकराता विधानसभा सीट। देहरादून जिले की चकराता सीट भी हॉट सीट में शुमार है। यहां से नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा से फेमस सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता चुनावी मैदान में रहे। पिछले 4 चुनाव में प्रीतम सिंह ने लगातार यहां पर मैदान को फतह किया है। उधम सिंह नगर जिले की 9 सीटों में से एक है गदरपुर, बड़ी और प्रमुख सीट। ये सीट वीआईपी सीटों में शुमार है। यहां से शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय चुनावी मैदान में है। लगातार 2 बार वो इस सीट पर जीत हासिल कर चुके हैं। इस बार भी वो जीत की हैट्रिक जरूर लगाना चाहेंगे। हालांकि एक मिथक है जिसको तोड़ना इस बार उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हरिद्वार ग्रामीण सीट। इस सीट से कैबिनेट मंत्री यतीश्वर आनंद चुनावी मैदान में है, जबकि उनके खिलाफ कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प है। आज देखा जाएगा कि हरिद्वार ग्रामीण सीट को कौन फतह करता है। चौबट्टाकाल सीट। पौड़ी गढ़वाल जिले की चौबट्टाकाल सीट को भी हॉट सीट कहा जा सकता है। यहां से दिग्गजों में शुमार और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज चुनावी मैदान में है, जबकि उनके खिलाफ केसर सिंह नेगी मैदान में रहे। अब देखते हैं कि इस सीट पर आखिर किसकी जीत होती है। बात की जाए मसूरी की तो देहरादून जिले की मसूरी सीट इसलिए खास है, यहां से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी गोदावरी थापली परिवर्तन का नारा देकर पिछली हारों से सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही थी। इस सबके बीच आप यूकेडी और निर्दलीय प्रत्याशी भी भाजपा कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी का काम आज कर सकते हैं। हालांकि इसमें वो कितना सफल हुए ये आज की मतगणना के बाद साफ हो जाएगा। नरेंद्र नगर सीट। टिहरी जिले की नरेंद्र नगर विधानसभा सीट से भाजपा की ओर से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ताल ठोक चुके हैं। 92,000 मतदाताओं वाली इस सीट पर कांग्रेस से ओम गोपाल रावत कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। हाल ही में ये भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। कोटद्वार सीट। पौड़ी गढ़वाल जिले की कोटद्वार सीट इसलिए खास है क्योंकि यहां पूर्व सीएम भुवन चंद खंडूड़ी की बेटी ऋतु खंडूड़ी कोटद्वार से चुनाव लड़ रही हैं। 2017 में भाजपा के टिकट के यमकेश्वर विधानसभा से वो विधायक बनी थी। इस बार देखते हैं कौन यहां पर जीत हासिल करता है। लैंसडाउन सीट इसलिए भी खास है क्योंकि यहां सीट पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल रही अनुकृति गोसाई को चुनावी मैदान में उतारा गया। भाजपा से निष्कासित होने के बाद हरक सिंह रावत ने अनुकृति गोसाई समेत कांग्रेस ज्वाइन की थी। अब देखते हैं कि उनको इसका कितना फायदा मिलता है। बाजपुर सीट। उधम सिंह नगर जिले में पड़ने वाली बाजपुर सीट से पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य चुनाव लड़ रहे हैं।
हाल ही में आपको बता दें कि अपने बेटे संजीव आर्य के साथ वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। भाजपा से यहां राजेश कुमार प्रत्याशी हैं, हालांकि आज कौन इस सीट को फतह करता है ये देखने वाली बात है। कालाडूंगी, नैनीताल जिले की कालाडूंगी सीट से कैबिनेट मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बंशीधर भगत मैदान में हैं। यहां से कांग्रेस की टिकट पर महेश शर्मा चुनावी मैदान में है। मुकाबला काफी दिलचस्प है, सभी की निगाहें इस सीट पर बनी हुई है। पिथौरागढ़ जिले की डीडीहाट सीट से भाजपा के टिकट पर कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल चुनावी मैदान में है। यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रदीप सिंह पाल, उनके खिलाफ वो चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी किशन भंडारी को 2368 मतों से हराया था। प्रतिपक्ष संवाद ब्यूरो,